हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कमांड प्रॉम्प्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स को जानेंगे। अगर आप सभी एक ट्रू टेक लवर हैं तो 2021 में ये सभी कमांड्स जो है आप सभी को जरूर पता होनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। अब मान लीजिए, अगर आपको अपने कंप्यूटर में लॉजिकल डिस्क का नेम देखना है, साइज देखना है, तो आप कैसे चेक करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू? तो इसके लिए सिंपल सी कमांड है WMIC स्पेस लॉजिकल डिस्क स्पेस। क्या चाहिए आपको? हमें नेम चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे गेट नेम। जैसे मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे को इसका नेम जो है शो कर देगा। देखिए, यहाँ पे आ रहा है CDEFGH। यहाँ पे ड्राइव के लेटर के नेम जो है इसने मेरे को शो कर दिया, जो कि लॉजिकल डिस्क है। मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाता हूँ माय कंप्यूटर में। यहाँ देख सकते हैं आप, सी से लेके CDEFGH ड्राइव तक जो है इसने शो कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे साइज भी शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं कंसोल की बात करूँ तो कंसोल में साइज जो है शो नहीं कर रहा है। अगर आपको साइज शो करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना होगा साइज, और यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइज भी शो हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एच ड्राइव के आगे साइज शो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स, एच ड्राइव जो है यहाँ पे एक DVD रोम है, यहाँ पे DVD के अंदर कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे साइज जो है शो नहीं कर रहा है। अगर उसके अंदर CD या कोई DVD होती तो उसका साइज जो है यहाँ पे जरूर शो करता। तो इस तरीके से जो है आप लॉजिकल ड्राइव की इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल है तो वो भी लिस्ट जो है आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए कमांड है WMIC स्पेस, लिखेंगे आप प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कहने का मतलब कौन कौन से प्रोग्राम हमें चाहिए लिस्ट, और आगे लिख देंगे हम ब्रीफ। जैसे हम इसको कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो है हमें सभी के सभी प्रोग्राम्स की जो है लिस्ट जो है शो हो जाएगी। ये कमांड जो है एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा टाइम ले सकती है। जैसे कि आप सभी ने देखा फ्रेंड्स, हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया और इसने जो है हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दे दी है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम जो है इंस्टॉल है। तो इस तरीके से जो है आप इस कमांड के थ्रू पता लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम जो है इंस्टॉल्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि अगर हमें अपने कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी कमांड लिखूंगा मैं, WMIC स्पेस डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? जैसे मैं लिखूंगा गेट, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि नेम मेरे को शो हो जाए। तो जैसे मैं नेम लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे को जो है उसका नेम जो है शो हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे नेम आ गया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि उसका मॉडल नंबर शो हो जाए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉडल। तो देखिए, जैसे मैं मॉडल करके एंटर करूँगा तो यहाँ पे मॉडल नेम जो है डिस्क का शो हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर आप साइज़ चाहते हो तो यहाँ पे लिख दीजिए साइज़। ठीक है, और इसके साथ अगर आप चाहते हैं मैन्युफैक्चरर भी शो करना तो वो भी आप करा सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे आप मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे जैसे हमने मैन्युफैक्चरर लिखा तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर, मॉडल नंबर, नेम और साइज़ जो है डिस्क का शो हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हार्ड ड्राइव में कौन किस कंपनी की हार्ड ड्राइव है, उसका नेम क्या है, साइज़ क्या है, मॉडल नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या है, सारी डिटेल्स जो है आप इस कमांड के थ्रू जो है निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छी कमांड है, इस कमांड को जो है आप याद रखिएगा। अब अगर आपको जानना है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट हैं, उसकी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे कंसोल के थ्रू, तो बहुत इजी है। यहाँ पे आप लिखेंगे WMIC स्पेस, यहाँ पे लिखना होगा आपको एनवायरमेंट। क्या चाहिए आपको एनवायरमेंट का? हमें चाहिए लिस्ट। यहाँ पे मैंने एनवायरमेंट की स्पेलिंग गलत कर ली है, हमें चाहिए लिस्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट, तो यहाँ पे जो है मेरे पास इसकी लिस्ट जो है शो हो जाएगी, जैसा कि आप सभी इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप यहीं से आप चेक कर सकते हैं अपने कंसोल से कि कौन कौन से एनवायरमेंट वेरिएबल जो है आपके कंप्यूटर में सेट हैं। यहाँ से आप इसके इंस्टॉलेशन डेट, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस वगैरह सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी कमांड है, आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो बूटअप टाइम पे यानी स्टार्टअप टाइम पे रन होती है, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कमांड में आप लिखेंगे WMIC, लिखेंगे स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप लिखने के बाद आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए कैप्शन। तो कैप्शन में हमें एप्लीकेशन का नेम मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कैप्शन लिखूंगा तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन के नेम जो है शो हो गए। तो इस तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ। अब इतना ही नहीं, अगर मैं चाहूँ कि कौन कौन सा यूज़र जो है कौन कौन सी एप्लीकेशन रन कर रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आप यूज़र, तो यूज़र के नेम के साथ जो है डिटेल जो है शो हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि कमांड भी शो हो जाए तो यहाँ पे आप लिख देंगे कमांड
जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे कमांड और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कमांड भी जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। बहुत अच्छी कमांड है, इस कमांड के थ्रू जो है आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि अगर आपको अपने कंप्यूटर का सीरियल नंबर चेक करना है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे WMIC स्पेस, आगे लिखेंगे BIOS, क्या चाहिए हमें, गेट करना है सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सीरियल नंबर। जैसे मैं सीरियल नंबर लिखूँगा तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का सीरियल नंबर जो है शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि 2021 में आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, ये सभी कमांड्स जो है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।